ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और चुनावी अपडेट से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, साथ ही छत्तीसगढ़ की भी दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है और हमारे संवाददाता लगातार हम तक चुनावी अपडेट पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से आशीष सोनी। आशीष, जबलपुर में किस तरीके के हालात है, क्योंकि हमने देखा कि ग्वालियर और भोपाल में मतदाताओं में जो जोश है वो हाई दिख रहा है। अगर जबलपुर की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे और रोड शो किया था और खूब प्रचार प्रसार किया था और ये चुनावी जो बिगुल है वो बजाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 18,71,320 मतदाताओं के लिए यहां निर्वाचन आयोग ने 2130 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन 2130 मतदान केंद्रों में तकरीबन 500 के मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील घोषित किए हैं, 23 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इस समय जबलपुर किंट विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह से आ रही हैं और मतदान कर रही हैं। बुजुर्ग मतदाता भी यहां पहुंच रहे हैं। जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर उत्तर, जबलपुर केंट, पनागर, बरगी, सीहोर और पाटन। ये ऐसी 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। सबसे खास बात निर्वाचन आयोग की इस बार रही है, जो QR कोड के तहत पर्ची दी गई है उस पर्ची में मतदाता का नाम, उसके जो निर्वाचन नामावली में उसका नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या लिखी है। इनके साथ 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेज वोटर आईडी के अलावा भी मान्य किए गए हैं जिनके आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहां पर मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण यहां पर 2 से 3 शिकायतें ऐसी आई है, जो महिलाएं जिनका नाम नहीं था वो संबंधित यहां पर मतदान कर्मी जो हैं उनसे सलाह मशवरा करके कर रही थी। लेकिन इनके बीच में जो नव मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंच रहे हैं, हालांकि सभी माकूल इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तैयारियां की गई है, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रबंधन किए गए मतदान केंद्र जबलपुर में 300 जबलपुर में केंद्र क्रमांक 305 है, कतार रहित मतदान केंद्र है, यहां पर किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ग्रीन बूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांग जन के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं वो मतदान केंद्र हैं। और इन सब के साथ जो 18 लाख से ज्यादा वोटर्स जबलपुर में हैं, इनमें पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 52,041 है, जिनमें 27,902 पुरुष मतदाता हैं, 24,133 महिला मतदाता हैं। ये एक बड़ी संख्या, यहां पर 50,000 से ज्यादा वोटर्स हैं नव मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में एक वोट बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है और लोग बढ़ चढ़ कर घरों से निकलकर वोट करें, यही अपील लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, साथ ही साथ आशीष आपका और अजीत आपका इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव